हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं लाइट। लाइट क्या होता है? हम सब ने पढ़ा है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम वेव की बात करें तो वेव को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव होता है साउंड, जिसे कि प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको प्रॉपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि लाइट को प्रॉपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम मतलब वो मीडियम जिसमें कि कोई भी मीडियम पार्टिकल न हो, मतलब जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है उसे हम कहते हैं वैक्यूम। ओके, सो वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि कोई मीडियम नहीं है। ओके, तो उससे लाइट बड़ी आसानी से पास कर जाता है। अब बात करते हैं कि लाइट की कौन कौन से फिनोमिना है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, इसके बाद रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कि लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है और उसको पास नहीं कर पाता, तो स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन लाइट का वो फिनोमेना होता है जिसमें कि लाइट किसी मीडियम को पास करता है और उसके अंदर चला जाता है, मतलब उसको पास कर पाता है किसी मीडियम को, तो वहां पर जो फिनोमेना होता है उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। हम इसे फिगर से समझते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास ये एक मीडियम है, लाइट यहां से आ रहा है और इस पे स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर ये मीडियम, हम सबने पढ़ा है कि मीडियम वैसे तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो अगर ये ओपेक मीडियम है, तो ओपेक मीडियम होता है जो लाइट को पास नहीं करने देगा। तो अगर ये ओपेक मीडियम है तो लाइट इसे स्ट्राइक करने के बाद इसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा, इस मीडियम आकर टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। लाइट के इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, अब अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ये मीडियम हो जाता है ट्रांसपेरेंट, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये लाइट इस मीडियम क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हम उस मीडियम को कहते हैं जिसमें कि लाइट पास कर जाए, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट इसको पास कर जाएगा। हाँ, वो बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया, वो हम डिटेल्स में देखेंगे बाद में, अभी बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे है, ठीक है। तो अगर लाइट इस मीडियम को पास कर जाता है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, सो हम एक एक करके दोनों फिनोमेना के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो इंस्ट्रूमेंट है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके बाद अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे वो होता है ग्लास स्लैब लेंस। लेंस एक्चुअली स्फेरिकल लेंस होता है, जिसमें कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि हम रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। इन दोनों के बारे में हम रिफ्रैक्शन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर की मैंने बात किया, स्फेरिकल मिरर होते कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अगर इस मिरर में
हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके फ्रंट में रखते हैं, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर हम सब ने देखा, हम सबके घर में है, हम सब मिरर देखते हैं, उसमें बिल्कुल जैसा हम है वैसा ही हमें इमेज दिखता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अलग होता है उसमें, जो इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, तो लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है ये भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर में जब उसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कभी उस ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज से बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी इमेज उल्टा बनता है, कभी इमेज सीधा बनता है, कभी बहुत छोटा बनता है, कभी बहुत बड़ा बनता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता, तो स्फेरिकल मिरर में ऐसा क्यों होता है, इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। तो बहुत ही डिटेल्स में इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में बात कर लो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात हम कर लें, उसमें इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर मैं इसके पूरे एप्लीकेशन की बात करूँ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम क्लास 8, 9, 10 की बात करें तो किसी भी एग्जाम में इसे एक या दो क्वेश्चन आता है, बोर्ड में तो कंपलसरी है। अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में हमारे बोर्ड में भी इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम 12th के बाद की बात करें तो अगर हम ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो जनरल नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज में एक पार्ट होता है फिजिक्स, उस फिजिक्स में इमेज फॉर्मेशन के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो जिनका अगर ये बेसिक लेवल क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में जिनको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ में नहीं आता, उनको पूरी लाइफ प्रॉब्लम आती है। इसलिए इमेज फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन हम मिरर में पढ़ेंगे कुछ उसी की जैसा इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट लेंस में भी है। अगर हम मिरर में अच्छे से पढ़ लेंगे तो लेंस में समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल मिरर में और 8 इमेज फॉर्मेशन है स्फेरिकल लेंस में। तो हम पूरी लाइट में यही सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें तो मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्शन, जिसमें कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मिरर, जिसमें प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसके बाद स्फेरिकल मिरर के एप्लीकेशंस। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, वो भी हम करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस में लेंस पढ़ने से पहले हम पहले तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम कुछ लेंस लॉ पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैग्निफिकेशन लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, और लेंस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। लेंस फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन आई का कितना इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में। तो ह्यूमन आई के हम पूरे फंक्शन के बारे में देखेंगे। इसके बाद एक और चीज हम देखने वाले हैं ह्यूमन आई के बाद, वो है डिफेक्ट ऑफ आई। आई में क्या क्या डिफेक्ट होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, नहीं देख पाते हैं, तो उनको स्पेक्स लग जाता है, स्पेक्टिकल्स वो पहनते हैं, राइट। कई लोगों को नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, कई लोगों को दूर का दिखता है नज़दीक का नहीं दिखता, कई लोगों को दोनों ही नहीं अच्छे से दिखता, उन सारे लोगों को स्पेक्स यूज करना पड़ता है। तो किस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इनका क्या सॉल्यूशन है, ये सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लाइट एरिया बहुत ही ब्रॉड है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, इसमें हम पूरा का पूरा लाइट आपको कंप्लीट कराएंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैं सारे ही कंप्लीट कराऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।